अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट इरम अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं एवर फेमस मुबशर लुकमान और हम आपके लिए लाए हैं नेवर माइंड शो। अस्सलाम वालेकुम मुबशर। वालेकुम सलाम, कैसा गुजर रहा ईद? ईद आपका सारा ठीक गुजर गया? ठीक ठाक गुजर गया। ईदियाँ मिली हैं? कोई नहीं दे रहा अब तो, कोविड में कौन आएगा देने। मैं आपको भी कहूँगा घर में ही रहें प्लीज कोविड में, लेकिन आप दे सकते हैं, बड़े हैं ईदी दे सकते हैं। बड़ा हूँ बेवकूफ तो नहीं हूँ, मैं ईदी दे दूँगा अपना। अच्छा चलिए, किस किस को बताएंगे आंसर भाई ने, जुदाई का सबब हम वाह वाह वाह, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए क्या बात। मुझे वो जमाना याद आ गया इरम, अब तक खान साहब ने एक टेप निकाली अपनी। अच्छा। उस जमाने में ऑडियो टेप होती थी, तो एक साइड पे चार गाने थे, दूसरी साइड पे कंपनी की माजरतनामा था। माफ कर दे यार, हमने ये देखो शादी कदर नहीं कर रहे। पैदा हो गए तो लाकू खान दे टाइम ते होना चाहिए। ऑपरेशन कराया इसलिए क्योंकि हलाकू खान का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन सानू हलाकू खान नहीं ना मिले। फिर की होया? इमरान खान साहब तो मिले ने ना। चलो वो हलाकू खान धौना लाउंदा सी तलवार दे नाल, ए धौना नहीं लाउंदे, भुखियां मारदे ने, धौना ला रहे ने। इमरान खान साहब नु तकलीफ पता खड़ी है, ए अपने रिश्तेदार नु खुला खांदिया वेख के जेलस हो जांदा है। भाई जान तुसी कर दे की हो, माय नेम इज एडी, अल्लाह देता, अल्लाह देता एडी, माशाल्लाह अल्लाह देता सिंगर, पूरी दुनिया च कॉन्सेप्ट एंड पूरी दुनिया च पॉपुलर सिंगर एडी। मेरा भी नाम चेंज हो गया। आपका क्या नाम? प्रिंस जेजी जिम जराफ एल्बर्ट। मैं तक जब बहुत ही अंग्रेजी बोलनी तो फिर आई सही। आई रिमेम्बर योर नेम इज मुबशर लुकमान। पता नहीं वो होएगा जी, उन प्रिंस जेजी जिम जराफ एल्बर्ट। ओके आपको नया सिंग सुना है? मेहमानों की हम बात कर लें, हमारे पहले मेहमान है बहुत नामवर तबला नवाज जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान का नाम रोशन किया तो है, बोल है। आप कोने लेकिन महावरतन कोने कोने में, हाँ जी कोने कोने में उन्होंने नाम रोशन किया है, दिलदार खान साहब। लेकिन जी दूसरे मेहमान भी मैं बता दूं कि जिन्होंने अपने यूनिक स्टाइल से यूथ को बहुत अट्रैक्ट किया है, अली शेर साहब। लेकिन खान साहब के मुतालिक मैं एक बात बताऊँ जी, खान साहब बजाते थे नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ, और जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद खान साहब ने छोड़ दिया बजाना। हाँ उसके बाद इनको बड़ी ऑफरें भी आती हैं इंडिया से इधर उधर से, ये नहीं करते। क्यों? इसकी वजह बता दें क्यों। मैं सच्ची बात है उनके बाद मेरा भी दिल नहीं चाहा, मेरे माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, मेरे सब कुछ गाते बजाते हैं, लेकिन मेरे अंदर से ना बहुत से लोगों ने मुझे कहा अपना उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब, मैं उनके साथ फिर बाद में 6-7 साल मैं गया है ना, गराना तो एक तो फिर अताउल्ला साहब लाला जी शेर मेर हमारी जो फील्ड के हैं, तो उनके चलिस्मे के बाद ही मुझे काफ़ी लोगों ने कह दिया, तो मैं खुद ही नहीं सच्ची बात गया, मतलब दिल ही नहीं चाहा। तो ये नहीं मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, अपनी मर्जी की बात है। तो मेरा बड़े तो आप है, वाली में तो आपसे बड़ा कोई नाम नहीं है तबला नवाज जो है। मैंने थोड़ा सा ये भी सोचा था भी मैं खान साहब के साथ जाता हूँ तो मैंने
वो मैं तो बड़ा नहीं हूँ, वो तो बड़े थे ना, तो मैं उनके साथ थोड़ा सा उनकी ड्यूटी दी है। लेकिन खान साहब सिर्फ तबला नवाज नहीं है, गायक भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो फिर हम सुनेंगे कुछ इनसे, वो अभी बाद में सुनेंगे। हाँ। और अली का आपको डिटेल्स नहीं पता? नहीं, प्लीज मुझे बताएं ना। अली जो है ये बहुत ज्यादा म्यूजिक में काम कर रहे हैं इस वक्त, इनका अपना स्टूडियो है। अगर आपने कुछ जिंगल्स बनाने हो, अच्छा, आपने कोई ओएसटीज बनाने हो, ये वो, तो अली टोटल गोरा काम करते हैं। अच्छा, आप देखें नेवर माइंड शो का भी जो ओएसटी है वो अली ने बनाया। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो फिर एडी को ले लेना प्लीज। मैंने एक जनाजे का गाना बनाना है, इंग्लिश जनाजे के आगे जो वो लेके गाते हैं, वो अगर बना रहे हैं तो एडी आपका बहुत मशहूर होगा। वो था ना अपना प्रिंसेस डायना के फौत होने पे उसने कैंडल इन द विंड गाया था ना, आप एडी इन द विंड कर देना। खैर हो जनाब, सानू चांस दियो, पक्के गुलूकार सी, इन्हें तो इशारे से खलो के भी इंज करके मंग लेना है। मैंने नहीं आपको चांस देना, मुंह फक गए ने देखो। लेकिन खान साहब एक गल तो दसो, पक्की गल है, हरियाणा की एक बड़ी पक्की गल है, वो एक खान साहब सन, उन्होंने अपना बच्चा भेजता कंप्यूटर की क्लासा लैन वास्ते, छे महीने हो गए उन्होंने समझ ही नहीं आई, तो वो आके कहता असं नहीं सिखा सकते, कूड़ है कहता रहा पुत्र, कहना कमाल जी साढ़े कोई आए तो असं एक हफ्ते चुनू बैरवी सिखा देने। तो कहना वो भाईजन खान साहब, हाँ, कहना हफ्ता दे दौ। हफ्ते बाद आया तो मुंडा कंप्यूटर से सैट से ठक 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 करके कंप्यूटर चला रहा है, उन्हें क्या की किता, कहता असी बाजा जड़ा ना कंप्यूटर साइड से रखता है। की साइंस है, साइड से क्यों रखते हो, सामने क्यों नहीं रखते? सारे जिनकी बुजुर्ग ने इधर रख के बजाया ना, तो वो भी बच्चे को पता सी कि इधर कंप्यूटर चल जाए। हाँ, तो मैं एक साइड से क्यों बजाते हो? ये साइड से रखने की एक वजह होती है जनाब। हाँ। देखो जेड़ी चीज साइड से होनी चाहिए वो साइड से होती है, ये नाल गुलूकार की सजावट ज्यादा होती है, जो अगे रखता है खास तौर पर गायक, किसी को समझ ना है कि हम क्या गाजा गाना बजाता, नोट की ना पता चले। यस यस, एना मुबशर साहब साइड से वाजा सी इसलिए रखने हैं असी लोगों नु दस सके कि साडा साइड बिजनेस भी ओ की है, ताडा की है, यही बिजनेस है ना, यही बिजनेस है ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੀ ਲੋਕੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੈਡਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਲੋਕੀ ਖਵਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਾਓਗੇ, ਫੋਟਕੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਕਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਛੀ ਕਵੇਂ ਹੋ ਸੁਣਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ, किसी का मत सुनाओ। मेहंदी हसन साहब, मेहंदी हसन साहब मुझे भी फटा। हाँ, तो तू अपना गा रहे हैं? यस। तू पता नहीं केड़ा कोई अंग्रेज हो फटिया दी कुल्फी दसा दिशा अमीनू बुला भाई अमीनू बुला। ऐसा लगता है अखबार को ट्रक ते जा रहे हैं तो अपना आ रही है। दिस इज माय स्टाइल, अट पे आरंभ आते उधर पे खई खा जाके पता कर। आपको प्रॉब्लम नहीं है आपको अल्लाह देता साहब की तरह के लोगों की के असल मौसीकी रह गई है कहीं पीछे? लोग जो सुनते हैं ना तो वो ये भी अपना जो स्टाइल है रॉक इसको भी सुनते हैं। थैंक यू काफी सुनने वाले अली शेख साहब को भी काफी सुनने वाले लोग हैं। खान साहब से मैंने सवाल पूछना था, आपने कितने साल काम किया नुसरत फतेह अली के साथ? मैं जी 35 साल। 35 साल काम किया। जो बकरा बंडा था बिचो दे दे वाला। इसमें एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, जैसे नुसरत अली खान साहब के साथ इनका इनकी संगत रही शुरू से एंड तक ही कहेंगे, ठीक है ना, अगर 35 साल का एक बहुत लंबा अरसा होता है, मतलब एक लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम कह लें कि अचीवमेंट है किसी का, और खान साहब का भी, बिकॉज उनका ये था कि जैसे हारमोनियम पे राहत फतेह अली खान साहब के वालिद उनके साथ होते थे, जब वो नहीं होते थे तो वो परफॉर्म शायद या तो करना ही नहीं चाहते थे या वो शायद करते ही नहीं थे। अब मैं इनकी बात करूं कि नुसरत फतेह अली खान साहब का जब एक टाइम, जब आदमी को एक वो कहते हैं ना कि एक्सट्रीमली पॉपुलर, जब वो पूरी दुनिया में वो एक बहुत बड़े लेजेंड, लेजेंड से भी ऊपर के, जब जापान जहाँ पे लोगों को उनका उनके कलाम की समझ नहीं आ रही, सिर्फ वो म्यूज़िक को इन्जॉय कर रहे हैं, म्यूज़िक के ऊपर वो लोग मस्त हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके पास बहुत ऑप्शन होती हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ बैठी हैं, मुबशर साहब यहाँ बैठे हैं, तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन हैं कि आप किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। उस टाइम पे, उतने इंटेंस टाइम पे, अगर आप अपने पुराने साथी को, एक जो कि एक टैलेंटेड तरीन म्यूजिशियन और एक तबीयतन भी एक इंतहाई हम्बल इंसान, उनको आप नहीं छोड़ रहे, उनके साथ कर रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में
ये खान साहब की बहुत बड़ी बात थी। और फिर इनका इनका तो आप भी सीखे ना यार, आपने मेरे साथ किया ही नहीं गाना दोबारा कोई इतना है, आप भी सीखे खान साहब से कुछ आप नहीं बिल्कुल उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या जवाब दें। आपका एक ट्रैक जो है वो बिल्कुल रेडी है, शायद मैं उसका अगले हफ्ते कर लें आके अपना। आप अगले हफ्ते क्या आप कभी जब आपका दिल चाहे कर सकते हैं आप, क्योंकि उसका ट्रैक रेडी है पूरा और वो मैंने बड़े दिल से बनाया था। वो एक्चुअली सबसे पहला जो काम था वो मैंने इनके साथ किया था। उस वक्त मुझे इनका थोड़ा सा एक साउंड होती है एक आर्टिस्ट की, हर आर्टिस्ट की, तो वो मैंने ज़रा थोड़ा उसको समझने में मुझे 2-4 दिन लगे और उसके बाद आई वाज लाइक पॉजिटिव कि ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगले प्रोजेक्ट्स आ गए और वो वहीं का वहीं रह गया। किया ना, हर चीज में दिल होना चाहिए, बगैर दिल के तो नहीं काम होता ना। मुबशर साहब का गाना करना भी ना तुम, क्योंकि इन्होंने गाना गा लिया ना, वैसे इन्हों का गाना सुनना हर बंदे ने, भला क्यों उन्होंने कहना इन्हों का गाना सुन लो, नहीं तो भाई ने सानू खिंच के रख देने। मैनी टाइम्स बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये इनकी सबसे बड़ी जो कह लें कि इनका टेस्ट जो है, आसान गाने इन्होंने कभी चूज़ नहीं करना, ठीक है ना। और फिर आसान गाने को मतलब जो मुश्किल गाना है उसको इतना एफर्टलेसली इन्होंने किया, बिकॉज मैंने इनको रिकॉर्ड किया तो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना। बिकॉज मैंने वहाँ पे स्टूडियो के अंदर इनके वोकल्स रिकॉर्ड किए हैं, इनको वहाँ पे खड़ा करके इनको डायरेक्शंस दिए हैं, मतलब फॉर मी इट वाज समथिंग यू नो टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। काम इसने बड़ा मेरे से ड्रामाई अंदाज में किया मुझे। मैंने टेक दी है, अब टेक के बाद कहता बॉस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सिगरेट लगा लिया फौरन, बहुत अच्छा, लेकिन रिकॉर्ड नहीं ठीक नहीं है दोबारा। मैं अच्छी मजे की लग रही है, लेकिन ये है कि इसके इसकी मैंने कहा अभी आपने यहाँ से जाना नहीं है, तो कहते हैं कि यार इतना टाइम तो नहीं लगता। मैंने कहा कि अभी टाइम तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी करना है इसको। तो मुश्किल गाना जो है अगर आप उसको एफर्टलेसली कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए, इन्होंने जब मुझे वो 2-3 गाने बताए, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा कि यार अगर मैंने इनको कह दिया है तो मुश्किल है, इनके माइंड में वो चीज़ स्टक हो सकती है, तो हो सकता है वो कॉन्शियस मतलब थोड़ा सा उस तरह से हो जाए और वो पे गाने की फील मर जाएगी। तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, आई जस्ट लेट इट हैपन। तो वो फिर जब वो किया रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा वो, और वो बी जीज़ का गाना था और जो सबसे पहला मैंने इनका किया, और वो इतना मुश्किल गाना था और उसके इतने हाइज एंड लोज थे उस गाने के अंदर, और जब वो रिकॉर्ड हो गया और अभी इनके पास आया, वो जब भी आप सुनेंगे तो आप को लगेगा ही नहीं कि यार ये आदमी सब क्यों सुनेंगे, वो तो अंग्रेजी में है। छोटी छोटी क्यों सुनेगा जनाब सोलर, आपके सॉन्ग का नाम मैं बताता हूं हिट हो जाएगा, खरा सच तो बात खरा सॉन्ग। नहीं वैसे कोई दुनिया का काम छोड़ भी दियो भाई जान, वो ना हर जगह फेल होए ना, को फेल होंदे होंदे फिर आगे पहुंच जांदा बंदा। देखते हो तुसी बड़े सब लोग किवें जेल सुनने ने, विचो जेलसी है कि ए भी खान ला पया, साडा एक फंक्शन होर कट गया। ओ लोग ने इंटेलिजेंट जेड़े किसी को भी गवा सकते ने, कोई मिरास नहीं थोड़ी मिरासी हो वो जाए जाए। तेन पता नहीं ए देख कि सोहना गुलूकार है, इन्हें एक जगह ते अली शेर भाई गाना गाया, ते एक बंदे ने कहा भाजी फिर सुनाओ, इन्हें फिर गाया, वो कहता भाजी फिर सुनाओ, इन्हें फिर गाया, कहता फिर सुनाओ, कहता तेन मेरा गाना एडा ही चंगा लगता, कहता जो तक सही नहीं गाएगा। जरा ओदिया गल दसदा जी सुन लो, इन्हें अखा बंद करके गाना गाया, अखा खोलिया ने पूरा हॉल खाली, एक बंदा बैठा कहता तू मेरा एडा वड्डा फैन है, वो कहना फैन फोन कोई नहीं बाहर निकल मैं ताले मारन तो बैठा मैं। खान साहब ये बताएं कि जैसे ये सुर की और ताल की बातें होती हैं जी जी, तो कन सुरे भी तो होते हैं ना, लोग वो सुनते ही गलत सो रहे हैं, जिस तरह कलर ब्लाइंड होते हैं टोन डेफ, वो टोन डेफ जो होते हैं तो फिर वो गाएंगे ही गलत। तो हमारे पास उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे सिंगर हैं बड़े बड़े नाम के अवार्ड याफ्ता जो बेसिकली बेसुरे हैं और वो चांदी हुई भी उनकी जी जी, वो तो अल्लाह का करम है जो बेसुरे भी उनका भी नाम नहीं, उन्होंने अपना टेक्स्ट पढ़ा भी है। नहीं नहीं एक मिनट, नहीं बेसुरा तो फिर भी चल जाता है, तो बेताला किस तरह चल रहा है? ताल तो ऐसी चीज़ है, वो पूरी दुनिया पूरी कायनात ताल पर चल रही है, वो थोड़ी सी भी ऐसे मिस्टेक हो जाए तो फिर खराबी हो जाती, ताल बहुत ज़रूरी। मैं आपके आने से पहले इनको बता रहा था खान साहब को, मैं कहा 7 के मात्रे का तोड़ जो है ना वो खान साहब से पूछना, वो करके देंगे फिर पता चलेगा तुम्हारे में और उनमें फ़र्क क्या है। ये तो जली खान है। नहीं 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 बहुत अच्छे हैं हमारे भाई, तो ऐसे मुझे भी मैं सुनता रहता हूँ। और अगर आप एडी के साथ मिल जाएं वो ठहर जाए तेनू मैं करम शहंशाह का हो जाएगा। जरूर एडी बसुरे है
जनाब की करनगे दादरा जो जो बनी हो बजा भी ले क्या वजह है खान साहब मुझे एक बात बताएं सीरियस सवाल है ये मजाक नहीं है जी जी वो आप खान साहबों के घर में जो सीखने जाता है वो शागिर्द जी जी वो बैरवी तो उसको नहीं आती करेले बनाने आ जाते हैं करेले क्यों इतने पसंद है आप लोग करेले गोश्त रोटी तीन टाइम खाई दी है खान साहब ने रोटी सुरीली खानी होंगी है हाथ पा करेले क्यों हर एक पसंद है करेले वो कहने ने खान साहब की लॉटरी निकले 1 करोड़ रुपया निकला है वो 90 लाख के करेले बुक करके आ गए थे 10 लाख अपना खान साहब मैनू देते के बना करेले कुदरत वालों सब्जी ऐसी है वो हर बंदा और हर खान साहब तो बिल्कुल ठीक ही खाते ने शायद गला नहीं खराब होता उससे मे भी गला भी खुश्क भी करते भाई जान ये तो खटास भी डालते हैं तो तवा करके नका आज मैं तानू दसा करेले ये रेसिपी मुझे भी चाहिए हां खटास वाली ये खान साहब अच्छा ये रेसिपी खाना चाहनो करेले क्यों खा लेने एक्चुअली अद्धे ठाड़ियां नु शुगर होई हुंदी और शुगर ली करेला बहुत अच्छा है भाई वो तो बाद चे होएगी ना शुगर को 30 35 40 साल दी उम्र च जाके पैदा होंदे ही करेले खाना शुरू तुसी कॉर्नफ्लेक्स खाओगे करेले खान के तुसी दूध पियोगे करेले खान के ए पूछन दियो की वजह सब बहुत अच्छा मुबशर साहब टेस्ट बहुत अच्छा है अगर अच्छे बने होन तो फिर टेस्ट अगर बने ना हो मोटियां नाल करेले कीमा पके होवे तो की मजा आ भाई जान तुसी ते कोई भी हमसाइयों तो आ जाएगा खा लोगे ऐसी केड़ी गल है होते करेले ही आ जाने ठीक करेले सब्जियां दी सरताज सब्जी करेली मैं कहना जिस पासे करेले पके होन ना ते उधर वाले पासे ते असी इंज इंज सलामा करन डए होने अच्छी मुच्छी दा वाकया एक मरासी दी दावत कर ली एक सच्ची तो ठीक है ये मुच्छी क्या होता है सच्ची मुच्छी महाव्रतन महाव्रतन सच्ची मुच्छी दावत कर ली उन्हें उन्हें करेले बनाए वो बुरकी लान लगा करेले अच्छे नहीं करेले कच्चे करेले आई देख रहे ने तो गोश थोड़ा जा गलिया सी और जो तो बुरकी लान लगे कह रहे खान साहब कैसे बने कहना ऐसे बने ने एक बारी होर बन सकते मैं अपना जरा जदों भी राहत नु राहत फतेह अली खान की बात करूं उन्होंने इनवाइट करना होता है ना मैं फोन करा था कहते हाँ जी भाई जान की हाल है मैं अच्छा करेले पक्के रोटी भावे खान साहब होवे कोई अताई होवे रोटी जिथे खा लेनी वाकई देखिए पहली बात तो इस अताई और दूसरा जो वर्ड है वो पता नहीं कुछ लोगों को ये वाला जो वर्ड है इसकी तो पहले आज इस फोरम पे हमें ये जंग खत्म करनी चाहिए ये अल्लाह देखें अल्लाह ताला की देन है ये अल्लाह ताला की जिस पे इनायत हो वो ये काम कर सकता है अदरवाइज ये कोई किसी की मिरास देखें म्यूजिक ये जब अल्लाह की तरफ से आ रही है एक चीज़ आपके पास ठीक है ना तो उसको मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनकी फैमिली में बहुत बड़े बड़े लोग हुए लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास है, लेकिन वो नहीं अब आप मुझे एक बात बताएं ठहर जाए ना अब आप सीरियस बातें कर रहे हैं तो मैं भी अब आपको सीरियस एक बात कहूँ ठीक है ऑन एयर कह रहा हूँ और कोई माइक लाली ऑन एयर नहीं कह सकता जो मैं बात कह रहा हूँ मुकेश से ज्यादा बेसुरा सिंगर कौन आया आज तक चले मुझे किशोर कुमार की एग्जांपल किशोर कुमार तो इंतहाई सुरीला यार लेकिन मुकेश ने जितने बेसुरे गाने गाए हैं सारों ने उसको यार मेन सुपरस्टार माना ही है ना और आज तक मानते हैं एंड सम फैमिली बैकग्राउंड एज़ वेल नहीं मुझे नहीं पता अच्छा वो मुझे मुकेश के गाने बहुत पसंद है एग्जैक्टली देयर यू गो देखिए अपना सुरीला होना और बात है और पसंद होना लोग बेसुरा होना और बात है गाने की ट्यून और बात है आपने बड़ी बात किया ये एक स्टेटमेंट है मुझे बताएं आप जरा के कौन आप बताएं चलें आप म्यूजिक डायरेक्टर्स पे आ जाते हैं मैं नाम ले रहा हूं अगेन आरडी बर्मन ने जितनी चोरी की है दोनों दुनिया में किसी ने चोरी की है इतनी वो तो इजराइल का कौमी तराना चोरी कर गए एक्चुअली अपनी धुन में तो यार ऐसे लोगों से तो ना हमें कंपेयर करें हमारे आर्टिस्ट को आप अपना एक और मैं बात कहूंगा देखें आप अल्लाह देता साहब को अंडर एस्टिमेट ना करें मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा कर सकते हैं बट शुरू से ही आप इसको जब आते के पैसे मिलते हैं जब ये चीखों के पैसा मिलता है तो हमें क्या जरूरत है सारे गमा फा वो नहीं करना वो नहीं करना वो आपकी लाइन नहीं है वो उन्हीं को कर रहे थे जिनका ये कर रहे हैं देखें आज की रोटी का पता है कल की रोटी का पता नहीं नहीं आज आप कह रहे थे ना कि अताई और खान साहब वो ये है कि किसी चीज का जैसे कहते हैं टीवी चैनल पे भी बता देते हैं कि एक अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया
वो अलग चीज, जिसको किसी चीज का नहीं पता उसको अताई, उसको डिग्रेड नहीं, नहीं लेकिन एक बात है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, नहीं मैं नहीं एग्री करता, हम अताई और फैमिलीज को इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। देखें जब आप प्रोफेशनल मौसीकी में जाते हैं तो उसकी एक तहजीब है और उसका एक तरीका है, और अगर आपने घर में आप निकले होते हैं, मतलब इनका बेटा होगा ना, मुझे पता है यार उसको सरगम का पता है, मुझे पता है उसने पलटे कैसे देने हैं या क्या करने हैं। आपको मेरा बेटा अगर कहीं पे आता है तो उसको सीखना पड़ेगा, वो सीख के आएगा तो हम उसको मानेंगे, खामा खामे हम मौसीकी के एहतराम में नहीं कह सकते यार कहने वालों बर्दाश्त कर रहे हैं और करना शुरू हो गया। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कैसे आए म्यूजिक के अंदर? देखिए मैं ये बेसिकली मुझे शौक था म्यूजिक का हमेशा से, मतलब म्यूजिक सुनने का बहुत शौक था, गाने का, ठीक है ना, और इवेंचुअली मेरा कोई इसमें बहुत पहले से तो मतलब स्कूल में या फिर कॉलेज में जाके तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट यू नो एक्सीडेंटली हर इंसान जो है ना वो उसको एक चीज़ को स्टार्ट करता है और फिर लेटर ऑन यू डिसाइड ओके यार मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना मैं इन्जॉय इसको कर रहा हूँ, इसमें मेरा मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं मतलब कितना आगे तक चला जाता हूँ, और मैं कुछ और जब ट्राई करता हूँ, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ वो तो एक अलग चीज़ है ना, वो तो करनी है आपको, आपको पसंद है या नहीं पसंद, ठीक है ना, तो इसको मैं इन्जॉय बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो घंटों मुझे इसमें मेरे गुजर जाते हैं, और फिर मैंने इसमें लर्न भी किया, ठीक है ना। तो भाई सवाल ये था आप आए कब तो और कैसे? अब बस इसी तरह ही, इसी तरह तो पता ही नहीं चला कि रिक्शे थे आए, मोटरसाइकिल थे आए, रिक्शे पे रिक्शा था। इनको ये नहीं पता, अली को भी नहीं पता कि आप तो गाते भी हैं, आप तो गायक भी हैं, जरा हमें कुछ से सुनाए ना कुछ। अगर खान साहब आप अच्छा गाएंगे हम इनको शोरे वाले मसले, एक मिनट खान साहब सिर्फ अच्छा गाएंगे, मैनू मार दे, मैनू एहो जी डिश ना खुवाई, खान साहब जरा कुछ दिखाइए हमें, सुनाइए जरा। मैं अभी वो बाजे की बात हो रही थी भाई, जो वो गजल गीत गाते हैं वो साइड पे रखते हैं, तो जो कवाल हमारे भाई वो आगे रखते हैं, वो कैसे, वो हम कवाल हैं तो लिहाजा आगे रखें, सॉरी। तू चुप कर झूठे अकावा नहीं आना, वो सीखे कि ये बात होती है, वरना जो मैंने पहले कह दिया सादे वाला वो सीखना जो बनी है खान साहब की वो मैंने कह दिया, तो कोई सीखने की बात है जो किसी वो मैंने अभी आपको मैं थोड़ा सा पेश कर, तो पता चल रहा है नहीं मेरे दिल भर जानी वे तू चुप कर झूठे अकावा तू झूठा तेरे बोल भी झूठे तेनू ताड़ी मारू खबर में तेन कुट कुट चूड़िया पावा रिजवी अंदर कितने रोंदी ना मर जावा सुन चरके दी मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मिठी मिठी कूक माया मैनू याद आंदा मिठी मिठी कूक खुशियां मनावा
ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀਏ ਵਿਛੋੜਿਆ ਨੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣ ਚੁਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ बशर साहब मैं पहले गाता था तबले से पहले मैं अपने मुझे भी थोड़ा सा गाने का शौक है तो हर तबले वाला गाता नहीं आप नहीं सुनेंगे बड़े बड़े अच्छे हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े ट्यून जरूर बनाते हैं लेकिन गाते नहीं तो मेरे अंदर थोड़ा तबले वाले मैंने ट्यून बनाते हुए भी नहीं देखे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी ट्यूने बनाई मैंने खान साहब के पास बैठ के उस्ताद राहत फतेह अली खां के पास बैठ के मैंने थोड़ी सी मैंने बनाई ये ट्यूने और कई मैंने कवालियों की ट्यूने भी बनाई ऐसे जब थोड़ा सा तबीयत ख़राब एक दफ़ा फैसलाबाद में घर पे बैठे तो मुझे कहते दिलदार जरा बाजा पकड़ो तो मैंने छोटी सी पंजाबी थी जिस दिल विच सजना वस जाए जिस दिल विच सजना वस जाए उस दिल ते जुल्म कमाई दा नहीं जिस दिल विच सजना वस जाए जिस दिल विच सजना वस जाए उस दिल ते जुल्म कमाई दा नहीं जिस दिल विच सजना वस जाए जिस दिल विच सजना वस जाए उस दिल ते जुल्म कमाई दा नहीं जदों प्यार किसे नाल पा लिए जदों प्यार किसे नाल पा लिए फिर कोलों दी लंघ जाईदा नहीं जदों प्यार किसे नाल पा लिए मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था बड़ा एक सीरियस सवाल मैं कहा कि जी आप मुझे बताएं कि म्यूज़िक जो है ये तो आप नेचुरल होता है और आदमी उसमें फिर आगे उसको अपने आप को पॉलिश करता है सीखना क्यों ज़रूरी है तो मैंने उसको यार बड़ा अपनी तरफ से अपने जहन के हिसाब से मैंने उसे जवाब दिया मैंने कहा कि यार मेरी बात सुनो जब आप इसको प्रोफेशनली अगर आप इसको अगर अपने अपना करियर बनाना है तो फिर तो सीखना बहुत ज़रूरी है भाई आप लोग और जो खान साहब वगैरह में फ़र्क है ना कि ये बाजा ले रहे हैं बिल्कुल ठीक है ये कंपनीमेंट इंस्ट्रूमेंट है इनका लेकिन आपके म्यूज़िक में तो ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है ये पूरा है ही नहीं इसमें तो 5 ऑक्टेव नहीं है जी बिल्कुल ये तो 2.5 ऑक्टेव पे चल रहा है इस वक्त पियानो की अगर बात करें तो उसके आगे 36 कीज पे चल रहा है ठीक है ना वो 5 ऑक्टेव पे आ रहा है ए मुबशर साहब तोड़ा ना कितने खान साहब मुबशर का मैं आता ही है काम जो भी है लिया गल्ला ही लिया अल्लाह कर ये जो दा था ही मैं भी हो जा इंटरेस्ट की बात कल तो सुनो बड़ी टेक्निकल गल कर रहे हैं आप ये बताएं कि ये तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट के साथ ये राग पूरा कर लेते हैं तो आप लोग 84 कीज के साथ नहीं कर सकते यार उसमें ये होता है कि जो वोकल्स के लिए अभी तक मतलब इवॉल्व हुआ है ये सारा ये सिलसिला जो है बहुत पहले से मतलब सुरमंडल भी अभी भी बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन कम तो अभी तक जो कह लेना कि जो एक चीज़ राइज है जो कि थोड़ा सा फाइनलाइज कर दिया कि यार अच्छा ठीक है कॉम्पैक्ट चीज़ क्या होनी चाहिए कि जिसमें आपका बहुत सी चीज़ें आपकी जो कवर हो जाए ना मतलब आपके गले से रिलेटेड इवन कंपोजिशनली भी कंपोजिशन भी इस पर बहुत गले में
माजरत के साथ, दुनिया में सबसे करीब जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो सारंगी है, ठीक है ना, वायलिन है वेस्ट में सारंगी, हाँ। और ये सारंगी उसे क्योंकि इसमें रेजोनेंस वायर्स हैं जो गले के अंदर होते हैं, वहां पे वायलिन है यहाँ पे सारंगी, ये रेजोनेंस वायर्स की वजह से क्लोजेस्ट है उसका, क्योंकि वो एक ज्यादा मुश्किल है, उसको बजाना बहुत मुश्किल है, हर इंसान नहीं कर सकता, हर जगह आप उसको कैरी करके नहीं लेके जाएंगे, उसके लिए खास एक डिसिप्लिन चाहिए। हारमोनियम जो है वो मेरे हिसाब में, और बहुत से लोग इसको अब एक कह लें कि आजकल का बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वोकल के लिए अब कम इस्तेमाल होते हैं, हारमोनियम अभी तक। लेकिन आपने नोट किया खान साहब ने सिर्फ कॉर्डे बजाई है, या इन्होंने खान साहब ने मेलोडी नहीं किया, मेलोडी नहीं बजाई, खान साहब ने कॉर्ड बजाई और उस पर गा दिया। एग्जैक्टली, ये अल्लाह तआला साहब को कहें कर ले, मैं अभी टिंड करा लूंगा, ये नहीं हो सकता। हम समझता था कि इस बंदे की हुकूमत पे गहरी नजर है, मेरी अपनी टिंड भी है, म्यूजिक पे भी बहुत गहरी नजर, बहुत गहरी नजर है यार। मेरा ख्याल है मैं अपने शागिर्द को ना उतर जाके 2 किलो मिठाई लिया, अजी खान साहब मुबशर अली खान दे शागिर्द तरह तरह गल फरो खान साहब, हां जी मैं ओ भाई खेला जेड़ा टीवी ते आके ते सख्त सख्त गल्लां खाडा, ओ मेरी शक्ल दा ही है ट्विन। खान साहब ऐ दसो, ऐ जेड़ा तबला बनांदे हो, ऐ आटे दा भी हुंदा है, मैदे दा भी हुंदा है, ऐ की साइंस है? कव्वाली खास करके आटे वाला मैं शुरू तो बजाया है, मेरे तो पहले भी, तुसी ते मैदे वाला भी लेके आए सो, वही आटा तो मैदा, एक मैदा नहीं लगता लेकिन उन्होंने सगो देसी आटा लगेगा तो वह लगेगा, मैदा वो चमड़ेगा ही नहीं, तामे, तामे क्योंकि खल होंगी उन्होंने चमड़ेगा नहीं जी जी, वो तामे दे उते आटा तो है। किस तरह पता चलता है सुन के टक 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 सुरा च आ गया कि नहीं, उन्होंने जी तुसी हथौड़ियां मार के ठीक कर दे, वो की साइंस है? वो साइंस खल होंगी सर, जो मैनू इन हथौड़ी पई होंगी मैं डॉक्टर बन जाता पढ़ के। लेकिन जो एक मैंने परफॉर्म की नॉर्वे में वो 7 घंटे पक्का, 7 घंटे वो इतना उन लोगों को वो मैं थोड़ी सी बता भी दूं साथ अगर टाइम है तो। नॉर्वे बहुत बर्फ पई, तुसी भी खान साहब सारे जान दे हो, खान साहब नु दस्सदे नहीं बड़ी बर्फ पई, उन्हां जिन्हां दोस्तां सानू बुलाया सी ते खान ते ओ चलेगा सी लंदन तो नॉर्वे, ते ओ इन्ना बर्फ इन्नी भी सारा वाकया सुनाओ बर्फ दा जिक्र ना, हां ये ते केडू दी डब्बी ते पाड़ी दे ठंड तो सिगरेट नहीं लैंदे भाई, हाल होल सारा कुछ बंद, उन जेडे प्यार वाले जिन्हां बुलाया सी उन्हां दा दिल भई कव्वाली खान साहब नू बुलाया तो सुनीए, हाँ। उत्थे सुनना कितने से इन्ना को कमरा तो जिथे असी उन्होंने कोठी एक दी तो ठहरे, गोश्त करेले गोश्त सारा कुछ वो फ्रिजा च रख, बड़े अच्छे दोस्त उन्होंने इतने के अपना सरगोधे के खान साहब के, उन्होंने सारा कुछ भी खान साहब आ रहे हैं पाकिस्तान उत्ते खाना छाणा, वो ऐसा असी 18 दिन सिर्फ खाना खाधा, कोई कव्वाली कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकया, एंड ते उन्होंने एक छोटा जहा हाल उन्होंने कहा खान साहब ने सुबह चले जाना, जोड़े शौकीन लोग सन साढ़े गुजरात के सियालकोट के लोग अच्छे अच्छे सुनने वाले लोग, तो उत्थे असी उन्होंने शुरू करा लिया, सुबह असी जहाज से पाकिस्तान आ जाना सी, मुबशर साहब जूं कव्वाली शुरू हुई कसम खुदा दी 7 घंटे इन्ना को मज़ा मैनू खुद नू खान साहब दा आया भी इस तरह भी कव्वाली होंगी, हाँ जी कव्वाली तो बंदा इन्ने घंटे तो आप बाजार हो जाता भी बस करो, मैं थोड़ी जी याद आ गई खान साहब दी ट्यून सी ते पे एडी के सर पे हाथ रख दे तो हम पूरी दुनिया फटा कर सकता जरूर है जरूर जी क्यों नहीं, और हम आपको कौन सा मसाले के बगैर आप जो जैसे गा रहे हैं या जो गाना चाहते हैं ना, करोना है मिलना नहीं है करीब नहीं होना दूर दूर रहना नहीं नहीं
वो दूर से इस तरह का हाथ रख सकते हैं। कॉन्फिडेंस है ना, और अगर आपकी मेहनत है और आप थोड़े से, आप थोड़ा सा कनेक्शंस भी, मतलब मैं, क्योंकि कनेक्शंस उसी आदमी के होते हैं कि जो के मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा किसी को वो कह लें कि सलाम दुआ तो होना, सलाम दुआ तो होना, किसी के कोई आपकी इज्जत तो करता होगा, आपको थोड़ी सी तो इज्जत देता होगा, चार लोग जानते हो। और ये बड़ी गलत बात है कि नहीं मैं कनेक्शंस के बारे, देखें कनेक्शंस वो आपका एक अल्लाह का एक निज़ाम है दुनिया के साथ, आपको वो एक अलग से मतलब वो सारा सिस्टम रखना है आपका। तो दूसरी बात तो वो, और उस ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको अपने काम पे कॉन्फिडेंस है और आप वाकईतन उसमें पैशनेट हैं और आप डिलीवर करना, आप कुछ अपना काम आता है तो फिर पैसा विल फॉलो। ये ऐसी कोई बात नहीं कि यार इसमें आप पहले ही सोच लें कि यार मेरा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ, पैसे को अगर 100% आप पैसे का ही सोचेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका अपना पैशन उसमें क्यों नहीं होगा, तो फिर आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। हमारे पास टाइम है कुछ अपना के नहीं है? नहीं नहीं आप करें, आप बताएं, आप गाना गाने लगे हैं। नहीं नहीं मैं अपना एक वाकया सुनाना है पैशन की बात करें कि अब मैं इसको पॉलिटिकल नहीं कर रहा कि मैं कोई बुराई किसी की कर रहा हूं, लेकिन जब ए आर रहमान मुसलमान हुए तो सारे उनको इंडिया में कट ऑफ कर दिया। और ए आर रहमान जो था ना वो कीबोर्ड आर्टिस्ट कमाल के, यानी कमाल के कीबोर्डिस्ट हैं। तो ये चेन्नई से आए बॉम्बे में, बॉम्बे में घर नहीं, झोंपड़ी नहीं, तो फुटपाथ पे रहता था ए आर रहमान। तो इसको ब्रेक नहीं मिल रही थी। अच्छा, जिन्होंने इसे कीबोर्ड के तौर पे काम कराना होता था वो स्टूडियो के साथ एक कमरा उन्होंने बनाया था कि ये उधर रहे और उधर से अपना कीबोर्ड का पीस रिकॉर्ड करा दे, और ये नहीं हमारा वो ना भरम वो क्या कहते हैं अपना भ्रष्ट नहीं होगा हमारा, वो हमारा जो है ना कि हम हिंदू हैं, हमने मुसलमान के हाथ नहीं लगाना ये वो। तो बारिश हो रही थी, ये जो रोजा फिल्म बन रही थी ना जी, मणि रत्नम, मणि रत्नम की, तो मणि रत्नम के जो म्यूजिक डायरेक्टर था उसको हो गया हेपेटाइटिस और वो हो गया बीमार, और अब वो रोजा की सारी डेट्स वेट्स होता तो पैसा बड़ा लगा होता है, सारी फंस गई हुई। तो उसने नीचे से पकौड़े मंगवाई, जो पकौड़े लेके आया ना उसका पीएन जो था, तो उसने मजाक में उड़ाया कि वो थले बैठा बाजे वाला बैठे हले भी बारिश वेट कर रहे हैं कि कुछ सुना दें। तो मणि रत्नम ने कहा कि बुलाओ उसको, अच्छा सुने ज़रा उससे क्या सुनाता है। तो ए आर रहमान ने आके वहाँ पे, ये मैं आपको एक्चुअल वाक्य बता रहा हूँ, एक गाने का मुखड़ा सुनाया और वो था दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, और उसने कहा मणि रत्नम ने जाके उसके पैरों में बैठ गया, उसने कहा माई बाप गलती हो गई। वहाँ से ए आर रहमान का सफर शुरू हुआ। लेकिन बॉम्बे के साथ उसने क्या बदला उतारा, आज तक बॉम्बे नहीं शिफ्ट हुआ। बॉम्बे का बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर सिंगर, उसको ए आर रहमान के साथ काम करना होता है उसको मद्रास जाना पड़ता है वहाँ पे करते अब थैंक यू सो मच, इतने बड़े बड़े मेहमान आए और आके उन्होंने हमें अपना प्रेजेंस से ऑनर किया, थैंक यू सो मच। और आखिरी बात निकालना है, आइसोलेट कर लेंगे तो आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं मुश्किल है कि आपकी बात कोई सुने या कोई माने। आइसोलेशन से निकालना अपने आप को थोड़ा सा ना ज़मीन पे लाना होता है, और इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि यार पहले कुछ नौकरी भी कर लो, बिकॉज नौकरी आपको ज़मीन पे ज़मीन पे ले आती है। बिल्कुल, वो चाहे दो साल से जर्नलिस्टों के मतलब भी ये कहते थे मुशरफ के आने से पहले, वो कहते थे बंदा की ये कहना बच्चा जो एडिटर है अखबार का कहना कुछ और काम करता है घर चल जाएगा। ये आपने मुझे ताना मारा, नहीं मैं अपनी बात। अच्छा चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। अब हमारा वक्त खत्म होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।